देखिए आज की स्थिति में जो डिमांड और सप्लाई का गैप है लगभग 2000 मेगावाट का वो गैप है, तो कभी वो थोड़ा कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, मौसम के हिसाब से भी निर्भर करता है। और जो खुली मार्केट में बिजली होती है उसको भी हम परचेज करते हैं। इससे पहले क्या होता था कि खुली मार्केट में जिसको चाहिए उसी रेट पर वो ले सकते थे, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पावर डिपार्टमेंट ने उसकी कैप कर दी है कि 12 रुपए से ऊपर वो नहीं खरीदी जा सकती। इसलिए 12 रुपए के ग्राहक लगभग सभी होते हैं, उसमें फिर कोटे के हिसाब से मिलता है हमको। भले 2000 की हमारी डिमांड रहती है लेकिन कभी 200 कभी 300 उतनी ही मिल पाती है, शेष हमारी अभी कम है। लेकिन उसमें एक कठिनाई हमारी अडानी के साथ जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बहुत पुराना चला आ रहा है, वो कठिनाई एक आ गई थी। पीछे कई बार कंट्रोवर्सीज हो जाती है तो वो पावर हमारी बंद हुई थी, अब उनसे बातचीत हो गई है 1 तारीख से बरसों से, और वो 500 मेगावाट की बिजली वो रिस्टोर करेंगे। आने वाले 10 दिन के बाद और एक 500 मेगावाट वो रिस्टोर करेंगे। मुझे लगता है 15 मई से पहले पहले ये सारी चीज़ ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी भी कोई बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ऐसा विषय नहीं है कि जिसकी बहुत कोई स्थिति आउट ऑफ हैंड है। बहुत प्रदेशों में तो बिजली का बहुत ज़्यादा संकट है, पंजाब को देख लें, आसपास के और प्रदेशों को देख लें, हमारी स्थिति उन प्रदेशों की बनिस्बत थोड़ी बेहतर है। हमने अपील की हुई है जनता को और उसमें कुछ घोषित कट लगाए जाते हैं, इंडस्ट्री को भी लगते हैं, रेजिडेंट्स को भी लगते हैं, डोमेस्टिक को भी लगते हैं, तो ऐसा जनता सहयोग कर रही है। मैं इस बारे में जनता का धन्यवाद करता हूँ। 500 मेगावाट पावर परचेज की आज परमिशन दी गई है, जो जानकारी चंडीगढ़ से आ रही है, 500 मेगावाट पावर परचेज कमेटी की तरफ से परमिशन दे दी गई है। जो रेट से जानकारी है 5.70 पावर और आरकेएमसी कुछ ऐसी मंजूरी सर आज दी, वो उसका अडानी की पावर से कोई लेना देना नहीं, ये अलग एक कंपनी है। उस कंपनी ने 5.70 रुपये का रेट कोट किया है, अभी बातचीत चल रही है हमको वो लेनी है कि नहीं लेनी है, क्योंकि वो एक टेम्प्रेरी 3 साल का एक कोट किसी ने दिया कि वो पावर दे सकते हैं। अभी हमारी बातचीत चल रही है, अगर उससे सस्ती कहीं मिलेगी तो हम सस्ती लेंगे, सस्ती नहीं मिलेगी तो 5.70 लेंगे, क्योंकि सीज़न में तो ये 3-4 महीने, ये पहले तो 17-18 रुपये भी कभी कभी ली जाती थी, 12 रुपये भी आ गई है, तो हम देखेंगे कि साल भर का एक तरफ 12 रुपये, फिर कभी सस्ती भी होती है 2.5-3 रुपये भी होती है, ऑन एवरेज अगर वो 5.70 या उसके आसपास होगी तो उसको खरीदें। नहीं, ये पुराना, हाँ अडानी का तो जो रेट पुराना ही है, वो कुछ और टेक्निकल कारण थे जिसके कारण से कुछ झगड़े की बातें हुई थी, लेकिन अब जो क्या था कि हाँ वो लोग इम्पोर्टेड कोल और डोमेस्टिक कोल दोनों का ही हम पावर लेते थे 70%, 30%, 30% इम्पोर्टेड कोल है उसके रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, स्टीप हाइक हो गया, जो 100 अमेरिकन डॉलर पर मिलियन का जो रेट होता था वो 250 डॉलर अमेरिकी डॉलर पर मिलियन टन पर मीट्रिक टन ये हो गया है, तो 2.5 गुना रेट बढ़ गए हैं। अब वो रेट पास ऑन करना चाहते हैं, उसमें क्लॉज है पास ऑन करने का कि अगर आप इम्पोर्टेड कोल से लेंगे तो पास ऑन करना पड़ेगा, उसके लिए अभी हमने मना किया है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा महंगी हमको बिजली पड़ती है। लेकिन जो बाकी 70% डोमेस्टिक का है वो हमको मिलेगा, उसको हम लेंगे सारे। सर, सारा विपक्ष के जो सवाल है अडानी ग्रुप को लेकर ही है, कुछ भी आपने भी अखबार में कटिंग्स देखी होगी, न्यूज देखी होगी, मुख्यतः चाहे दीपेंद्र हुड्डा की बात हो, नए प्रदेश अध्यक्ष बने हो, इसी बात को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि अडानी ग्रुप से जो करार था इस प्रेशर की वजह से उसको डिलीवर नहीं करा पा रहे हैं और नाम ले लेके उस पर ही निशाना साध रहे हैं। अडानी ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों ने किया था, हमने नहीं किया, आज से 15 साल पहले किया था, लेकिन उसमें इतना वो पीपीए की जो कमियां छोड़ी गई थी उन कमियों का लाभ आज अडानी उठा रहा है। अगर ये सोच समझ के उस समय पीपीए बनाते तो वो कमियों का लाभ नहीं उठा सकते थे। आज कोई किसी प्रकार का अगर रेट बाजार में बढ़ता है उसके हम तो पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर उसके कारण से कोई विवाद होता है और वो मानो अडानी उसमें से बैकआउट करता है तो उसका कोई भी किसी प्रकार का कंपनसेशन अडानी के ऊपर उस पीपीए में नहीं लिखा गया, जो एक बहुत बड़ी कमी अडानी के साथ समझौता करने में कांग्रेस गवर्नमेंट ने उसको की थी। अब वो खमेजा है, सरकार का समझौता है किया हुआ, तो समझौते पर हमको चलना पड़ेगा, इसलिए ये अगर ज़्यादा कुछ हलचल करेंगे तो ये निशाना भी उन्हीं के ऊपर जाएगा।